नमस्कार दोस्तों, JVS किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए एक नई रेसिपी। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे गोभी के करारे नमकीन पापड़, जिन्हें आप चाय के साथ खा सकते हैं। तो चलिए गोभी के पापड़ बनाना शुरू करते हैं। गोभी के पापड़ बनाने के लिए हमने 500 ग्राम गोभी ली है। इसको हमने काट कर और साफ पानी से धुल लिया है। उस साथ में मैंने 150 ग्राम मैदा लिया है। आप सबसे पहले गोभी को जार में डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे। आप मिक्सी की सहायता से गोभी को ग्राइंड करेंगे। देखिए गोभी ग्राइंड हो चुकी है। आपको भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गोभी को ग्राइंड करना है। बैटर बनाने के लिए हम आधा चम्मच कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक चम्मच जीरा डालेंगे, एक गिलास पानी डालेंगे और इसमें पिसी हुई गोभी को भी डाल देंगे। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब मैदे का घोल बनाएंगे। इसके लिए हम मैदे को कंटेनर में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल बना के तैयार कर लेंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैदे के घोल को डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए बैटर हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बैटर को ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम पापड़ बनाएंगे। देखिए बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके हम पापड़ बनाएंगे। पापड़ बनाने के लिए थोड़ा सा हाथ में हम ऑयल लगाएंगे। अब थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे गोला बना लेंगे। अब एक पॉलीथन लेंगे और गोला बना के पॉलीथन पर रख लेंगे। अब इसी को लौट देंगे, एक प्लेट की सहायता से इसको दबा देंगे। देखिए पापड़ हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इसको हम दूसरी पॉलीथन पर पलट देंगे। हम फिर से हाथ में ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा बैटर लेंगे और गोला बना के पॉलीथन पर रख लेंगे और प्लेट की सहायता से इस तरह से दबा देंगे। देखिए पापड़ बन चुका है। अब इसको हम दूसरी पॉलीथन पर पलट देंगे और इसी तरह सारे पापड़ बना के तैयार कर लेंगे। हम पापड़ों को 2 दिन तक धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। 2 दिन हो चुके हैं। देखिए गोभी के पापड़ हमारे सूख कर तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम दोनों तरफ से पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस को हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है। इसी तरह से सारे पापड़ों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। देखिए गोभी के पापड़ हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितने करारे और कुरकुरे बने हैं। आप इनको चाय के साथ नाश्ते में ले सकते हैं। आप भी अपने घर पर बनाएं और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें।